हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मैथ टेल पर। फ्रेंड्स, आज हम एक बहुत ही सैड स्टोरी लेकर के आए हैं। बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है और इससे बहुत कुछ जानने को भी मिलेगा। फ्रेंड्स, आज हम बात करने जा रहे हैं पहले परमाणु बम के परीक्षण के बारे में, कि ये दिखने में कैसा था, कब परीक्षण किया गया था, किस देश ने किया था, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। फ्रेंड्स, दुनिया का पहला हाइड्रोजन बम, या जिसको हम थर्मोन्यूक्लियर वेपन भी कहते हैं, इसका कोड नेम था माइक, और इसका परीक्षण यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने 1 नवंबर 1952 यानी 1 नवंबर 1952 को मार्शल द्वीप समूह में किया था। हाइड्रोजन बम प्राइमरी फिजन एनर्जी को यूज करता है, जिससे बहुत अधिक मात्रा में प्रज्वलित होती है हाइड्रोजन फ्यूजन रिएक्शन। अब फ्यूजन रिएक्शन एक साधारण फिजन वीपन की तुलना में कई गुना शक्तिशाली होती है तथा ये और भी ज़्यादा मात्रा में एनर्जी को रिलीज करता है। ऑपरेशन माइक में थर्मोन्यूक्लियर डिवाइस का वजन लगभग 82 टन था, जो कि 10.4 मिलियन TNT यानी ट्राइनाइट्रोटोलियन, जो कि एक विस्फोटक रिएजेंट होता है, केमिकल रिएजेंट होता है, उसका यूज करते हैं, उसके बराबर था। ये इतना इतना भारी था जिससे आप स्वयं अंदाजा लगा सकते हैं कि इसका उद्देश्य कितना खतरनाक था। और इस परीक्षण की जो तस्वीरों की श्रृंखला थी, जो सीरीज ऑफ पिक्चर्स थी, वो विस्फोटक स्थल से लगभग 80 किलोमीटर की दूरी पर तथा 12,000 फीट की ऊंचाई पर बनाई गई थी। ये विस्फोटक अपने पहले एक सेकेंड में मैनहैटन के आकार की 1/4 आग के गोले का रूप ले लिया था। मैनहैटन एक यूनाइटेड स्टेट्स की एक सिटी है और उसका 1/4 ये एक गोले का आकार ले लिया था। इससे आप समझ सकते हैं कि जब विस्फोट किया गया था तो कितना दिखने में कितना भयावह और शक्तिशाली ये लग रहा होगा उस समय। विस्फोट के 2 मिनट के बाद ही धुआं जो था वो 12 किलोमीटर की ऊंचाई तक पहुंच गया था। यहाँ पर मैं फीट में ना लेकर के किलोमीटर में यूनिट को लिया हूँ, 12 किलोमीटर की ऊंचाई तक पहुंच गया था। और यह धुआं स्ट्रेटोस्फेयर यानी समताप मंडल में 160 किलोमीटर की चौड़ाई तक फैल गया था। 1 नवंबर 1952 को इस परमाणु बम का परीक्षण किया गया, जिससे अमेरिका ने दुनिया को, खास तौर से सोवियत संघ को, जो कि उसका उस समय USSR ही था जो कंपटीटर था, अपनी ताकत का एहसास दिलाया था। और ये दुनिया का पहला हाइड्रोजन बम या थर्मो न्यूक्लियर वेपन का टेस्ट था। सो इट वाज द ऑल स्मॉल स्टोरी अबाउट द टेस्ट। थैंक यू एंड कीप लिसनिंग फॉर द नेक्स्ट वीडियो।